अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाउ टू रिजॉल्व नो पावर नो डिस्प्ले इन एसर एलसीडी के बारे में बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक एसर की एलसीडी है जिसकी पावर नहीं आ रही, ना ही डिस्प्ले दिख रहा है। अब हम इसका जो कवर है वो ओपन करेंगे। ये नहायत ही आराम के साथ हमने ये इसका जो कवर है वो ओपन कर लेना है। ये देखें, ये हमने इसका कवर ओपन कर लिया है और नीचे से इसका जो बैक कवर है जिसके अंदर मेन बोर्ड और वीजीए कार्ड लगा हुआ है वो नजर आ रहा है। ये पहले हम इसकी स्ट्रिप्स उतारेंगे। ये इसका मेन बोर्ड है, इसको हम खोल के देखेंगे कि माल फंक्शनिंग किधर है। ये देखें, यहाँ पे बर्निंग के निशान नजर आ रहे हैं। ये बोर्ड हम खोलेंगे तो फिर पता चलेगा कि प्रॉब्लम किधर है। ये बोर्ड हमने इसका उतार लिया है और ये बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। और अब हम देखेंगे कि जिधर बर्निंग के निशान है, ये आईसी है। ये देखें, ये आईसी है टॉप 258PN। ये आईसी इसका खराब हो गया है। अब हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज करके हम इसका जो बोर्ड है वो दोबारा लगा देंगे। आराम से हमने इसके जो स्क्रू है वो टाइट कर देने हैं। टाइट करने के बाद इसी तरह हम जो इसका बैक कवर है वो भी क्लोज कर देंगे। स्टैंड के हम जो स्क्रू हैं वो लगा रहे हैं। स्क्रू लगाने के बाद हम इसका जो रिजल्ट है वो टेस्ट करेंगे। ये देखें, रिजल्ट इसका आ गया है। इसका मतलब है हमारी एलसीडी बिल्कुल ठीक हो गई है। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।